हेलो दोस्तों, आज एक और दिन की शुरुआत हुई है यहाँ दुर्गापुर में और ये आज यहाँ लास्ट डे है क्योंकि हम कल मोस्ट प्रोबेबली वापस जा रहे हैं कलकत्ता। तो अभी प्लान है कुमार मंगलम पार्क बोल के, यहाँ एक बहुत पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ चलते हैं और पहले गाड़ी धुलवा लेते हैं। तो वही यहाँ पास में ही एक जगह है, चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। यही एक जगह है यहाँ पे जहाँ पूरा मैकेनिज्म रेडी है गाड़ी धोने के लिए और भी कई सारी बाइक्स वगैरह धुल रही है यहाँ पे। वास हुआ जो अंदर का सीट है, सेलिंग विलिंग सब कर देते हैं। कैसे दिमाग में आया कि वाला काम करना चाहिए? पहले यही काम दूसरा जगह काम किए थे, धुलाई का। हाँ, वहाँ से पहले कहाँ करते थे? बेंगलोर में। बैंगलोर में फिर अपना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। क्या नाम उसका? फिरोज। फिरोज फिरोज वहाँ की वहाँ से पानी ला के भी धोते हैं तो कुआँ सूखता नहीं है? मतलब नहीं, यहाँ कुआँ में पानी हमेशा रहेगा, आते जाता है पानी। फिर कम हो गया फिर छोड़ दीजिए एक घंटा। बहुत अच्छा एंटरप्राइज, नेचुरल एंटरप्राइज स्टार्ट किए हैं। नाम हम कुछ दिए है कि नहीं? नहीं। तो यहाँ तो कोई रेंट भी नहीं लगता होगा कुछ? नहीं, कभी कभी लेना पड़ा किसी का। कभी आता है तोड़ कर के चला जाता है, फिर एक हफ्ता 15 दिन ऐसे बंद रहता है, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते फिर चलता है। इनफॉर्मल सेक्टर है। भैया कितना दिमाग भी लगाए हैं, कुआं के पानी से पानी लेके उधर जनरेटर है उससे फोर्स से पानी आता है और एक साथ होने वाला जो काम है वो बाइक गाड़ी का एक साथ, कितना टाइम बच रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कमाल का मैकेनिज्म सेटअप किए हैं भैया यहाँ लोकल में। वो पीछे की तरफ कुआं है और ये जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये टेंट जैसा एक बना हुआ है इधर उसी में है और गाड़ियाँ सर यहाँ आके खड़ी होती हैं। हमारी गाड़ी पे शैम्पू वगैरह लग गया है पूरा। क्या करते हो तुम? मतलब पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, पांचवा, फिर फाइव में पढ़ता है। आज स्कूल नहीं था? हाँ, आज छुट्टी है क्या किसी चीज की? तो छुट्टी होती है तो यहाँ आके काम करते हो अंदर? अच्छा हाँ, हमको लगा अंदर लगाने जा रहे हो। धोने के लिए यहाँ ऊपर क्योंकि वो पाइप का भी एक लेंथ होगा ना, उसके बाद पोंछने के लिए और वो जगह खाली कर दिए कि और कोई आएगी तो लगा देंगे वहाँ पे। तो गाड़ी साफ हो गई, एग्जैक्ट 20 मिनट लगा। 20 मिनट इसलिए लगा क्योंकि प्रोसेस था ना पूरा, नहीं तो ऐसे लोग ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रोसेसिंग प्लेस था, एक जगह लग जाते हैं उधर कर। और इनफैक्ट पोंछने के लिए भी एक अलग आदमी। चलिए अब निकलते हैं। अच्छा, मम्मी बोल रही है इसमें लाते हैं और फिर पका के बनाया जाता है। तो जो प्रोसेस है ना वो लंबा हीट हो जाएगा। वो ये तो खाली रस मिठाई जैसी लग रही है, गुड़ बहुत मस्त। तो ये तो घर के पास ही था, अभी यहाँ अचानक प्लान बना रुकने का, अब चलते हैं सीधा कुमार मंगलम पार्क। मिठाई फेल है इसमें बनने। हाँ, तो अपने आप में मिठाई जैसे ही लग रही है। कुमार मंगलम पार्क भी हम लोग बहुत पहले जाते थे, मुझे लगता है लास्ट 2016-17 के टाइम पे ही हम लोग गए थे। बीच में तो बंद भी हो गया था, रेनोवेट करने के लिए वो लोग बीच बीच में बंद कर देते हैं। बोटिंग वगैरह भी है वहाँ पे। दुर्गापुर हाउस बोल के यहाँ का लैंडमार्क है, उसके ऑपोजिट से थोड़ा आगे ही है ये कुमार मंगलम पार्क। और पार्किंग वगैरह उधर है, इधर भी बोल रहे थे कहीं पार्किंग है। इधर है फूड प्लाजा। दो कॉफी और एक टी टोकन है, टोकन 130। और यहाँ सेल्फ सर्विस काउंटर है, पिकनिक स्पॉट जैसा बनाया हुआ है बाय डिफॉल्ट। आ गया मेरा ऑर्डर। वेज कटलेट क्या है? कॉफी भी अच्छी है, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर देना बेटर होता। हरी सब सब्जी होती है, आलू बादाम, बादाम तो डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, थोड़ा नमक। यहाँ क्या डालो? वही सब, इसमें बादाम भी है। आज वीकडे भी है ना, इसलिए भी पार्क खाली है, शायद अभी भी रेनोवेशन वगैरह चल रहा है। ये तो आ रहे आ रहे उनके, मतलब बच्चों के साथ इसमें आओ तो मजा आएगा। ये झूला है, इधर बैठो आते हैं। और वो जो सामने दिख रहा है इस पे 2018 में गुनगुन की हालत खराब हो गई थी, उसके फोटोज भी हैं, तब तो व्लॉगिंग नहीं करता था मैं।
इधर से चढ़ के थोड़ा टफ होता है उधर चले जाना, बट इट इज डूएबल। आगे भी कई सारे झूले हैं, इधर सीसॉ है, ये जो एरिया है यहाँ पे आई थिंक स्केटिंग वगैरह भी कर सकता है। दुर्गापुर का यूएसपी ये है, अभी भी बहुत कुछ नेचुरल है यहाँ पे, ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। पैर छूना मत, आगे नहीं जा पा रही हो, जल्दी किसी की मत मारो। अरे पैर से मारो ना, पैर ही नहीं पहुंच रहा है। बचपन का टैलेंट दिखा दो। पापा बोलते हैं डी सेक्टर में हम यही करते हैं। ये भूल भुलैया टाइप का कुछ है। पापा बता रहे हैं भैया छोटा था तो चाचा इधर ही रहते थे इसी एरिया में, तो आते थे भैया को लेके इधर। पर एक्चुअली हम तो लंबे हो गए, हम लोगों को तो दिख रहा है सब। बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता होगा जब दिख नहीं रहा है ऊपर। और यहाँ पे साइकिल भी है, तो हम सोच रहे हैं अभी हम लोग साइकिलिंग करते हैं। थोड़ा इसी ग्राउंड में करना होगा। ग्राउंड में कि उसमें करना है, उसके अंदर? अच्छा, वो साइकिलिंग की जगह जिसका जो स्केटिंग में बोल रहा था ना, वही कुमार मंगलम पार्क में साइकिलिंग। टाइमिंग देखो, अरे भारी लग रहा है। आप बैठो, अब बैठो, डिसबैलेंस होगा। आप बैठो, अब बैठो, अब तुम बैठो। ये चार हुआ बाइक पे से भी। वैसे ही उतरे थे, पीछे हैंडल है, वही चोट लग गया। कितना पुराना होगा ये? बचपन पापा लोग का ये हुआ। बचपन बहुत नहीं, 19 तो तब खुला था। बाप रे, 40-40 साल। हाँ हो गया, 40 साल से ज्यादा हो गया तब। अभी 5 दिन पहले खुला है, वो साइकिलिंग वाले भैया बता रहे थे। ये लेक है यहाँ का, और उधर बोटिंग हो रही है। ये तो मैंने वैसे बोल दिया कि ये हमारी कार है, यहाँ में यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। एक बोट पे जा सकते हैं ना 3 जन? हाँ, लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। ओ बेबी जाएगी, कुछ नहीं होगा, लीजिए एक नंबर मेरा, ठीक है। टाइम कब शुरू होगा? 4:30। जाओ पकड़ के, नीचे पकड़ के जाओ। आप इधर बैठिए, हम बीच में बैठेंगे। आमी को दबा, मजा एक जिसको तो पर बताओ, करो पैडल। मेरा क्लच, गियर, ब्रेक दबाते दबाते मेरे पैर का एक्सरसाइज होता रहता है। हाँ नहीं, अकेले गाड़ी जाएगी नहीं। अच्छा ठीक, दोनों को एक ही डायरेक्शन में करना होगा। उल्टा करो, उल्टा पैडल करो, उल्टा पैडल करो, तुम करते जाओ। हाँ हाँ, और तुम डायरेक्शन, हाँ ठीक है, मैक्सिमम पे है ना, इधर जाना चाहिए ना, हम लोग इधर जाना। अच्छा नहीं नहीं, इधर इधर करो, इधर करो। हाँ, नाव नहीं चला पा रही हो, गाड़ी कैसे चलाओगी? गाड़ी में तो और 50 फंक्शन होता है। पापा तो ड्राइवर ही सीखे हैं, हम तो कुछ नहीं सीखे। इधर ले लो, डायरेक्शन हम ठीक कर रहे हैं, आप लोग पैडल करिए बस। आज तुम लोग यू टर्न मारो। अरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपना वेट उसको हटाना होगा ना, उसके वेट में अभी हम लोग भी शामिल हैं। वेट मतलब एमजी वाला वेट, फोर्स वाला वेट। अभी एम कितना होगा? बोर्ड का अपना एम प्लस मेरा एम, तुम्हारा एम और आपका एम इंटू जी, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना होगा उतना पानी इस बोर्ड को डिस्प्लेस करना होगा इन ऑर्डर टू स्टे एट द टॉप। फंडा यही है, उस हिसाब से पैडल वगैरह लगाए गए होंगे और मैकेनिक्स उनका डिजाइन किया गया होगा कि पैडल करने से उतना पानी मतलब उतना वेट वो बोट हटा दे। मजा आया बोटिंग में, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं तो डायरेक्शन दे रहा था, बीच में बैठा था, तो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं और कुछ होगा तो विजिट करेंगे, नहीं तो चलते हैं घर। सुबह निकलना भी है तो शाम को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा सुबह निकलने के लिए। मिकी माउस भी लगा दी इसमें, हम लोग कुछ सकते हैं। मिकी माउस एक ऐसा झूला है ना कि बड़े होने के बाद भी सबका मन करता है कूदने का। मेरे कजिन दोस्त हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ भाई मन तो करता है, कूदेंगे फट जाएगा, मतलब वो झूला फट जाएगा क्योंकि हवा भरा हुआ होता है ना। वेज पनीर पकौड़ा है, वेज भी डाला है उसमें, मतलब वेजीज। चाउमिन भी अच्छा है। घर के लिए ले लिया हमने वेज पकौड़ा। हम निकल रहे हैं कुमार मंगलम पार्क से। ऐसा रोड कहाँ मिलेगा, ऐसा रोड बाकी शहरों में इतना जाम होता है कि यहाँ एक्चुअली दुर्गापुर में ऐसा ही होता है, जहाँ आपका मन पार्क कर दो क्योंकि हर जगह ही खाली है, पार्किंग कहीं भी मिल जाता है। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट भी है अगल बगल। A few moments later, कहाँ जा रहे हैं?
विधाननगर में जंक फूड खाने प्रॉब्ली डोमिनोज। हम लोग कुमार मंगलम पार्क से वापस आए, चाय पिए और मैंने वॉक तो किया और ये सो रही थी। मैं बेहोश पड़ी थी। अभी जा रहे हैं डोमिनोज। केएफसी भी हो सकता है और भी कुछ। केएफसी है इस एरिया में? केएफसी है, डोमिनोज है, एक मार्गरेटा बोल के भी है। मार्गरेटा इधर पिज्जा का टाइप है डोमिनोज में? मार्गरेटा एक्चुअली शायद चीज का टाइप है या मे बी मोज़ारेला है टाइप। नहीं मार्गरेटा तो फिर मार्गरेटा पिज्जा क्यों हुआ? सेक्सी लग रहा था। मैं पहले नहीं आ गया इसको छोड़ के, मुझे पता था इसको खराब लग जाता। किस बात? क्या अकेले चला गया? हाँ। मिल गया डोमिनोज विधाननगर वाला, मिलने आके हम लोग पहले भी आए हैं इसमें। गाइस आप लोग से मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट, गाइस आप लोगों ने बोला था वो कहाँ जा रही है? वो अपोलो पुश है, पुल है क्या है? पुश देखो ना, नहीं दिख रहा, वो चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा। हमने दे दिया है ऑर्डर, दोनों के प्रेफरेंस ही दिया है। इतना दुखी क्यों है?